हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग सक्सेस एंड यू आर लिसनिंग टू गजल रोहिला। इससे पहले मैं पार्ट वन अपलोड कर चुकी हूँ टीजीटी लेवल का, जो सीटेट का एग्जाम हुआ था आज। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो मैथ्स का पोर्शन है 30 मार्क्स का, उसको हम अच्छे से सॉल्व करके क्वेश्चंस को तब समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। If its length is 8 meter and breadth is 6 meter, then what is the volume in meter square? Oh God, ये सीटेट वाले भी ऐसे कैसे मिस्टेक कर रहे थे। मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम कभी मीटर स्क्वायर में नहीं होता, यहाँ पे मीटर क्यूब आना चाहिए था। सिल जो भी था, तो इस क्वेश्चन में करना ये था हमें कि जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है, जो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये जो फॉर्मूला था यहाँ से अप्लाई करके हमें h की वैल्यू मिल जाती। हाइट अगर हमारे पास आ जाती तो वहाँ से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते थे, पाई आर स्क्वायर h वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते थे। तो इससे इजीली हमें हमारा आंसर आ जाता 168। तो इसका आंसर होगा 168 31 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, द एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इन सेंटीमीटर इज। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम जो होता है वो होता है हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, ये होता है। यहाँ पर एरिया हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, हाफ हम यहाँ लेके जो ए बी है उसमें से किसी एक को, छोटे वाली साइड को हम एक्स लेट कर लेते और बड़े वाली साइड को एक्स प्लस सिक्स लेट कर लेते और हाइट हमारे पास आ जाती। तो जो एक्स की वैल्यू आ जाती है आपके पास, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपके पास 12, और आपको तो लॉन्गर वाली साइड पूछी थी तो 12 नहीं लगा कर आना था हमें, उसमें प्लस 6 करके आना था। आंसर होगा 18। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये 32 का आंसर हो गया हमारे पास 18। आगे चलते हैं, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज टेकन पाई की वैल्यू जो लेनी थी वो है 3.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था जिसको हम इजीली पुट करके भी कर सकते थे। फ्रेंड, ज़रूरी नहीं होता कि पूरा का पूरा तुम यहाँ से हाइट निकालोगे और फिर वो हाइट जाके दोबारा, तो वो डबल काम हो जाता है। तो एग्जाम के टाइम में ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं हमें कि कुछ वैल्यू पहले वाले से ही पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो CSA जो होता है हमारे पास सिलेंडर का वो होता है 2πRH, ठीक है, 2πRH हो जाता है। CSA हमें ऑलरेडी दे रखा है 94.2, ठीक है। यहाँ से हम पाई आर एच की वैल्यू लगाएं ही ना, ठीक है, पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास पाई आर एच की वैल्यू आ जाएगी 2 4 8 2 7 14.2 47.1 जो है ये आ गई हमारे पास पाई आर एच की वैल्यू, ठीक है। अब ये पाई आर एच की जो वैल्यू आई है ये वॉल्यूम में हम डाल सकते हैं, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास पाई आर एच की वैल्यू तो ऑलरेडी है, ठीक है, 47.1 है ही, और R एक और बच गया हमारे पास, उसकी 3 मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 40। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ दिस नंबर, ये कुछ नंबर है इसमें कोई x ऐड करना है हमें, और वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये जो है नंबर प्रोपोर्शन में आए। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू तो आई है 6, ठीक है, x की वैल्यू 6 आई है। अगर हम इन सब में 6 ऐड कर दें तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, पर हमें वैल्यू वो नहीं निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो ये हो जाएगा 72। 72 प्लस 9 हो गया हमारे पास 81, और 81 रूट किसका होता है, 9 का, तो 9 हमारे पास आंसर आ गया। 34 का आंसर हो गया 9। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है कि ट्रू कौन सी होगी। तो अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स हैज 10 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सही है ये वाला, कि जो 10 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन है उसमें 10 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी। 5 तो उसकी क्या नाम है वर्टिसेस से बनेंगी और 5 बन जाएंगी एजेस से, तो 10 हो जाएंगी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 35 का आंसर हो गया 1। 36 हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ 8 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन
ये जो इक्वेशन है इसमें से हमें x की वैल्यू को निकालना था और उस x की वैल्यू को इन वाली वैल्यू इन जो है इक्वेशंस पे पुट करना था और हमें देखना था कौन सा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा था। तो x की वैल्यू तो आई थी हमारे पास 8 जब हमने इसको सॉल्व किया और अब पुट करेंगे तो थर्ड ऑप्शन ऐसा है हमारे पास, ये जो थर्ड वाला है जिसमें जैसे हम पुट करें x माइनस फाइव इधर हो गया, x माइनस फाइव की वैल्यू हो गई 3, 3 फाइव ज़ार 15, इधर 15 आया तो यहाँ पर हो गया 8 माइनस 3, 5 टू ज़ार 10, 10 प्लस 5 15, तो ये हो गया, ये हमारे सेटिस्फाई करें इट मीन्स ये ठीक हो जाएगा। 37 देखिए, वट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू ऑब्टेन दिस नंबर, इस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आए। जैसे हम मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं कि 5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरे पास 2 आए, ठीक है, तो इट मीन्स मेरे को 5 में से ही 2 सब्ट्रैक्ट करना है तभी पता चलेगा ये आएगा। तो इट मीन्स इस वाली इक्वेशन में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली, तो वो आएगा हमारे पास 21y माइनस 24x माइनस 15a। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल फ्रॉम रूरल एरियाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि मैथ्स आती है, ठीक है, मैथ्स एक जो स्ट्रीट वेंडर होता है उसको भी मैथ्स बहुत अच्छे से आती होती है, तो देखते हैं क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, रूरल एरियाज की बात की है। तो दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, ओरल होती है बजाय कि उनको रिटन ना हो नॉलेज, बट उनको ओरल जरूर होती है, वो क्विक मैथमेटिक्स जो है वो कर सकते हैं इजीली। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनको बिल्कुल ही मैथमेटिक्स नहीं आती या पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं या फिर उनको फॉर्मल मैथमेटिक्स के कोई फायदा ही नहीं है कराने का, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 39 है कि यहाँ पूछा है कि हमें बताना है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो एग्जियम्स जो होते हैं ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है, एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है उसमें जो क्लास नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 है एग्जाम एंड पोस्टुलेट, 5th चैप्टर है एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो एग्जाम्स जो होते हैं, हाँ जी, एग्जाम्स आर प्रोपोजिशंस विच आर एज्यूम, ठीक है, ये भी होते हैं, स्पेशल थ्योरम्स नहीं होती, थ्योरम्स अगर उनको प्रूफ कर दिया जाए तो वो थ्योरम्स बनेंगे, डेफिनेशंस भी नहीं होती, एग्जाम्स वेन प्रूव दे बिकम, हाँ राइट, डी ठीक होगा, तो इट मीन्स हमारा ए एंड डी ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। तो कंटेम्प्रेरी जो आजकल में चल रहा है उस व्यू को नहीं शो करता, आजकल हम मानते हैं कि जो बच्चे के एरर होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और आगे फर्दर हमें गाइड करने का कि हम क्या और अच्छा उस बच्चे के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। तो यस, दे आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस, बट हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है। आगे चलते हैं, 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू, मैथमेटिक के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। मैथमेटिक यस एक टूल है, एक आर्ट है और एक लैंग्वेज है, तीनों ही बिल्कुल ठीक होंगे। आगे चलते हैं, 42, टू प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अ टीचर बिगिंस बाय अज्यूमिंग दैट इट इज अ रेशनल नंबर एंड देन प्रोसीड्स टू शो हाउ दिस अजम्पशन इज नॉट फीजिबल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूव बाय। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, आप जिनके बच्चों के पास मैथमेटिक्स है उनको पता होगा, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स इंडक्टिव रीजनिंग इसमें यूज की जा रही है, तो इंडक्शन हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ डिजायरेबल असेसमेंट प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। डिजायरेबल कौन सी है, पढ़ते हैं, होल्डिंग कन्वर्सेशन एंड 1-to-1 डिस्कशन विद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन असेसिंग दम, असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन द राइट आंसर, ओनली राइट आंसर पर फोकस करें ये तो नहीं होता मैथ्स में बिल्कुल भी, एरर भी फोकस किए जाते हैं, इनकरेक्ट नहीं ये भी नहीं होगा, ओनली पेन पेपर टास्क वो भी नहीं होते, तो फर्स्ट ही है इसका आंसर, होल्डिंग कन्वर्सेशंस एंड 1-to-1 डिस्कशन जो होता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है मैथमेटिक्स लर्निंग के रिगार्डिंग। गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स, ये तो बिल्कुल नहीं मान सकते हम,
एज अ गर्ल तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, तो वैसे भी जेंडर वाइज को शो कर रही है ये लाइन, तो ये हमें नहीं एक्सेप्ट कर सकते इसको. मैथमेटिक्स इज द स्पेशलाइज सब्जेक्ट मेंट फॉर अ सिलेक्ट फ्यू, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बना हुआ है. इनफॉर्मल एल्गोरिथम आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स, तो ऐसा नहीं है. इनफॉर्मली भी जो बच्चे ओरल काउंटिंग करके, जैसे जो स्ट्रीट वेंडर मैंने बताया, तो उनकी भी मैथमेटिक्स मानना कि वो एल्गोरिथम यूज नहीं करते, बट उनके आंसर्स करेक्ट होते हैं. तो लास्ट देखते हैं, एवरी वन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स, राइट? तो हर कोई मैथमेटिक्स को पढ़ सकता है और उसमें सक्सीड कर सकता है. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाज हाईलाइटेड बाय जीन पियाजे. ये जीन पियाजे ने हाईलाइट किया था इस कॉन्सेप्ट को. आगे है, अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन इन एल्जेब्रा, द बेस्ट रिमेडियल स्ट्रेटेजी इज टू. तो एल्जेब्रा, देखिए एल्जेब्रा का मतलब होता है कि एक जगह हम वेरिएबल लेते हैं और एक जगह कोई मतलब वेरिएबल्स को लेकर हम उनको बैलेंस करते हैं. तो बैलेंसिंग के इक्वालिटी की चीज़ उसमें सिखाई जाती है हमें. तो देखते हैं किस चीज़ में ये बता रहे हैं. गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन अनदर लैंग्वेज. अनदर लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ, तो ये तो नहीं होगा. एक्सप्लेन हिम और हर वर्ड प्रॉब्लम्स इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, बट उससे उसकी तो प्रॉब्लम हल नहीं हुई ना. एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग अल्टरनेट मैथड्स, अलग अलग मैथड को यूज़ करके हमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. आगे देखते हैं, कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेडागॉजी एनकरेजेस टीचर्स टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये नहीं करना चाहिए. तो इंट्रोड्यूस कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे कि हम रेडीनेस की भी बात करते हैं, तो जब तक बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई होगी, तो हम कैसे उसको वो प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो कर भी नहीं पाएगा, उसका मेंटल लेवल वहां तक नहीं पहुंचा है. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द वैल्यू ऑफ, ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो सिंपल सा है, बस थोड़ा सा इसमें ये था कि जो डिवाइड का सिंबल था वो प्लस जैसा लग रहा था, बट सॉल्व करेंगे जब आप इसको देखेंगे कि इक्वेशन का आंसर आ जाएगा 13. आगे देखते हैं, द फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस कुछ दे रखे हैं, आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि हम इसको डिवाइड करके इनको टू डेसिमल प्लेस वैल्यू तक ले आएँ, क्योंकि अगर हम इनके डिनोमिनेटर सेम करके चल लेंगे तो फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे डेसिमल में लाकर, तो ये इस ऑर्डर में आएगा, पहले 44 वाला, फिर ये, फिर आएगा 33 और फिर ये, ठीक है. तो ये हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा ये है. आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर्स. इंटीजर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है. तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट है, डिविजन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर हम उनकी प्लेस अगर चेंज कर दें तो भी आंसर इक्वली रहेगा. जैसे कि अगर मैं 4 को डिवाइड करती हूँ 2 से, ठीक है, तो आंसर विल बी 2. बट अगर मैं 2 को डिवाइड करने चलूँ 4 से, तो आंसर होगा 1/2. तो ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स डिविजन कम्यूटेटिव नहीं होता. तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नॉट ट्रू पूछा है. आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये है इक्वेशन, इसमें 3 एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं और हमें एच सी एफ बताना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स में, देखो सबसे पहले 2 की जो टर्म्स हैं, 2 की हाई लोएस्ट पावर देखेंगे हम, क्योंकि कॉमन तो वही निकल सकती है. तो 2 की पावर 2 निकल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, 3 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2 निकल सकती है, और 7 की पावर तो 3 आ सकती है बाहर. इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन पावर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये 30 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं, यहाँ पर है, इसका तो सिंपल एलसीएम लेना था. एलसीएम से ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास पी की, क्यू की और आर की, और उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23. 53 है, इफ़ द 7-digit number, कोई 7-digit number हमें इस तरह से फॉर्म करना है जो कि 72 से पूरा डिवाइड हो, ठीक है. तो 72 से पूरा डिवाइड होने के लिए उसको 3 और 2 से होना ज़रूरी है. इट मीन्स y कोई ना कोई इवन नंबर रहेगा,
और इन सब डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये कुछ इसी तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से हम करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 4, और जब हम इस वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इजीली हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 15 17 बन रहे हैं, 1 का ही गैप है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो डिफरेंट जो है वो 11 60 और यहाँ पे 63 की जगह 61 होना चाहिए था, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाता। आगे देखते हैं, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है फ्रेंड्स जो एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री होते हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180। तो 60 अगर मैं माइनस करूँ दोनों में से, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ आ जाएगा 120, तो ये इसका 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यही पूछा था इन्होंने, तो सेकेंड हमारे पास आंसर हो गया इसका। आगे चलते हैं, इफ द एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ द ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स 3x प्लस 20 एंड 6x, तो जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा। तो इन तीनों ही जो एंगल्स आपको दिए हुए हैं इनका सम जो है वो 180 होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी जो हम इसमें पुट करेंगे, तो तीनों ही एंगल्स अलग अलग आ रहे हैं, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो एक एंगल इसमें 90 प्लस भी आ रहा है, इट मीन्स वो एक्यूट भी नहीं हो सकता है और राइट भी नहीं हो सकता। आइसोसेलेस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तीनों ही अलग अलग हैं एंगल्स आ रहे हैं, तो इसलिए ऑब्ट्यूज ही बनेगा ये, और वैसे भी 90 प्लस तो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। चलते हैं आगे, 57 है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ जिसमें एंगल सी एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के, बी सी इसके इक्वल है, तो मतलब थर्ड वाली साइड इसके इक्वल होगी, इट मीन्स ए बी इक्वल होना चाहिए डी ई के, ए बी इक्वल होगा डी ई के, तो उनकी जो वैल्यूज होंगी 2x-1 और 5x, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, तो ये इधर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x और ये इधर आके 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 1, हाँ बस x की वैल्यू ही पूछी हुई है इन्होंने। तो आगे चलते हैं, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज p, वेदर वेयर p इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल हम बनाना चाहें तो मान लो एक साइड है 10 और दूसरी है 5, तो मिनिमम और मैक्सिमम बतानी है, ठीक है, तो ये 5 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि 5 अगर होगी तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मिनिमम में अगर हम देखें तो 5 तो होगी ही होगी, 5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, इट मीन्स मिनिमम होनी चाहिए 6, 6 के अकॉर्डिंग थर्ड साइड 6 होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो होगा 21, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है इसकी 29, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 21 एंड 29। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है एक्स मीडियन मान लिया, इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18 देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज वाई। अच्छा मीडियन, ओके तो मीडियन निकालना है हमें इसमें, सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होंगे तो बीच के हमारे पास पहले तो 8th टर्म आएगी 14, जब हम 8 को 18 से रिप्लेस कर देंगे तो 18 तो लास्ट में चला जाएगा, तो हमारी जो 8th टर्म आएगी वो आएगी 15, तो इट मीन्स x की वैल्यू तो हो गई 14 और y की वैल्यू हो गई 15, तो हमें x सम ऑफ x एंड y पूछा गया है हमसे, तो इसका सम हो जाएगा हमारे पास 29। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 3 white, 2 blue and 5 red balls, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, रेड नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड नहीं होगी, नहीं का पूछा हुआ है हमसे, तो हम रेड को छोड़ के लेंगे, रेड नहीं होगी तो वाइट और ब्लू ही होगी, टोटल है 10, वाइट और ब्लू हो सकती हैं 5, 5 1 5, 5 2 10, तो इट मीन्स 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आई होप कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।